जी हाँ, सिर्फ 2 ब्रेड और 2 अंडों के साथ हम इस ज़बरदस्ती रेसिपी को तैयार कर सकते हैं, जो आप अपने इवनिंग स्नैक में टी टाइम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सिर्फ ज़रूरत है 2 ब्रेड के पीसेस की, जिसे हम अच्छे तरीके से आधा कप पानी में एब्जॉर्ब करेंगे। हमने इस 2 ब्रेड के अंदर आधा कप पानी को डाल दिया है और ब्रेड को छोड़ा है कुछ सेकेंड्स के लिए कि पानी अच्छे तरीके से ब्रेड को एब्जॉर्ब कर ले। अब हम इस पानी को ब्रेड में से अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। जी तो पानी हमारा चढ़ गया है, उसके बाद हम इसको एक बोल में डालेंगे और हम यहाँ पे लेंगे 2 बॉयल अंडे। 2 बॉयल अंडों को हम इस तरीके से ग्रेट करेंगे जैसे हम गाजर को कद्दूकश करते हैं, इसलिए हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें इसमें बहुत बारीक बारीक से अंडों की ज़रूरत है। हमने दोनों अंडों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कद्दूकश कर लिया है और अब ये कद्दूकश कम्प्लीट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधी चमची कुटी हुई लाल मिर्चें, आधी चमची नमक, आधी चमची धनिए का पाउडर, आधी चमची जिंजर पाउडर, आधी चमची गार्लिक पाउडर, आधी चमची जीरे का पाउडर, और 1 टेबल स्पून हम इसमें अनियन लेंगे जो बिल्कुल बारीक बारीक से कटा हुआ होगा 2 हरी मिर्चों के साथ, और अब हम डाल रहे हैं 1 चम्मच हरा धनिया और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का। अब हम इस तमाम मिक्सचर को, तमाम बैटर को अपने हाथों की मदद से इतना अच्छे से इसको गूंद लेंगे कि ये एक तरीके का पूरा हमारे पास जैसे आटे की शक्ल में ये आ जाएगा। अब ये बहुत अच्छे से गूंद गया है, इसमें हमें कुछ भी अलग से पानी वानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी ब्रेड हमने ऑलरेडी अब्जॉर्ब की हुई थी पानी में। अभी बहुत अच्छा सा एक मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इस मिक्सचर को अपने हाथों में ऑयल लगाएंगे हल्का हल्का सा, और उसके बाद हम इसकी गोल गोल सी गोलियाँ बनाएंगे, और ये गोल गोल सी गोलियाँ बन गई हैं और एक तरफ ऐसे हमारे पास 8-10 गोलियाँ बन जाएंगी कबाब्स की शेप में, मिनी कबाब मिनी स्नैक्स की शेप में। और अब हमने एक फ्राइंग पैन के अंदर अपने ऑयल को गर्म करा है। इसको फ्राई करने से पहले हम इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करेंगे अच्छे तरीके से। ब्रेड क्रम में कोट करने के बाद हमें मीडियम फ्लेम के अंदर इसको हमें फ्राई करना है। जी तो अब आप इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे लेकिन मीडियम फ्लेम के ऊपर, और हम इसको बहुत लाइट लाइट सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। उसके बाद हम इसको पलट देंगे। अब ये दूसरी तरफ से भी हमारा ब्राउन होने लगा है, और जब ये बिल्कुल रेडी हो जाए तो अब ये सर्विंग के लिए तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कॉमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।